व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी, आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोगों का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा अगर आप लोग उसको पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है, तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बात की जा रही है डिजिब्यूटी के बारे में। डिजिब्यूटी आप लोगों ने द हिंदू में भी कई बार नाम सुना है, रिसेंटली चाइना का जो बेस है उसके बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस भी किया है। यहां पर यह बात की जा रही है कि कौन सी कंट्री बॉर्डर टच करती है डिजिब्यूटी का, बात की जा रही है इरिट्रिया, इथोपिया, ये है यहां पर यमन, सूडान और सोमालिया। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2, 3 और 4, सी में बोला गया 1, 2 और 5, डी में बोला गया 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कौन से बॉर्डर यहां पर टच करते हैं इस पर्टिकुलर कंट्री को। मैप में एक बार देख लेते हैं, आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे किस पर्टिकुलर एरिया की बात की जा रही है। ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो ये हो गया यहाँ पर डिजिब्यूटी, ये पर्टिकुलर कंट्री है यहाँ पर, ये गल्फ ऑफ अदन हो गया, ये रेड सी हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इरिट्रिया हो गया, इसी के साथ में इथोपिया और यहाँ पर हो गया सोमालिया, तो तीन कंट्री यहाँ पर टच करती है। ठीक है, ये एक तरीके से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये भी इसी के नाम से जाना जाता है, ये नाम भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, इसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया 1, 2 और 5, तो 1, 2 और 5 कहां पर हो गया, सी के अंदर, तो आंसर सी हो गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री से कनेक्टेड है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। बोला गया यहां पर होप स्पॉट के बारे में, होप स्पॉट कौन सा एरिया होता है, तो ये बोला गया कि होप स्पॉट जो है यहां पर ये एक एरिया है ओशन के अंदर जो स्पेशल प्रोटेक्शन की जिसको जरूरत होती है, यानी कि इस एरिया को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, खासकर इसका जो वाइल्ड लाइफ है इसके अंदर और जो खासकर अंडर वाटर जो हैबिटेट है, यानी कि जो इसके अंदर आवास है और जो इसके अंदर विशेष सुरक्षा की उसको जरूरत होती है, जो वन्य जीव इसके अंदर रहते हैं उसकी बात यहां पर की जा रही है। आगे बात करते हैं, ये डिक्लेयर किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है। तीसरी स्टेटमेंट में बोला गया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फर्स्ट आइलैंड है हमारी कंट्री में जिसको ग्लोबल होप स्पॉट की लिस्ट में डाला गया है, ये बोला गया है, तो कौन सा आंसर यहां पर इनकरेक्ट है ये ध्यान से रखिएगा। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया 1, 2 और 3, तो कौन सा आंसर यहां पर सही है, तो आंसर जो सही है यहां पर वो है बी, यानी कि 2 और 3, क्योंकि ये दोनों यहां पर गलत हैं और ये सही है। यहां पर होप स्पॉट एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात करते हैं, खासकर ओशन के अंदर जो वाइल्ड लाइफ होती है और इसी के अंदर जो अंडर वाटर हैबिटेट होता है उनके लिए, पर लेकिन ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहां पर इसको ये दर्जा नहीं दिया जाता है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो दर्जा दिया जाता है यहां पर ये दिया जाता है IUCN के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा इसको ये दर्जा दिया जाता है, मिशन ब्लू के द्वारा जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है ओशन की स्टडी करने के लिए काफी फेमस है, इन दोनों के द्वारा मिलकर ये काम किया जाता है। हमारी कंट्री में न्यूज में क्या है, क्योंकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये जो दो आइलैंड है इनको रिसेंटली अभी होप स्पॉट का दर्जा हमारी कंट्री में दिया गया है और ये फर्स्ट आइलैंड ग्रुप है हमारी कंट्री का जिनको ये दर्जा दिया गया है, तो हमारी कंट्री की वजह से भी ये न्यूज में है। तो यहां पर मैंने ओनली डाला था, यहां पर आप लोग देखते हैं यहां पर ओनली अंडमान डाला था, ठीक है, तो यहां अंडमान नहीं है, अंडमान निकोबार और इसी के साथ में लक्षद्वीप दोनों ही यहां पर है, जो कि यहां पर गलत होगी ये स्टेटमेंट भी, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, आंसर हो गया बी। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर यह बात की जा रही है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018 के बारे में। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार आप लोग ये पिक्चर देखिए, आखिर बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है।
जैसे इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, या फिर जो भी इस तरीके से ब्लड वगैरह चढ़ा जाता है, ये ग्लव्स होते हैं, इंजेक्शन हो गए यहाँ पर, जो भी जो हॉस्पिटल से निकला हुआ जो भी वेस्ट होता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट बोलते हैं। तो उसी के बारे में रूल और रेगुलेशन की बात की जा रही है। 2018 में अभी रिसेंटली रूल निकल कर आए, अमेंडमेंट रूल जिनको बोला जा रहा है, उसके बारे में स्टेटमेंट है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल तो था ये 2018 के थे, तो इसको अमेंड किया गया 2000 के रूल को, तब 2018 के रूल आए हैं। ये इंप्रूव कर रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इन्वायरमेंटली भी फोकस देकर चलना है, क्योंकि ये वो सारी चीजें हैं जो कि इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती हैं, तो इसलिए भी आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो इसको किस तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी चीजें रखनी है, और खासकर बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको भी मैनेज हम लोगों को करना है, तो ये बात की जा रही है। ये 2000 का रूल है, ये बोला गया है। नेक्स्ट बोला जा रहा है बायोमेडिकल जो वेस्ट है जनरेट किया जा रहा है इसको फेज आउट करने की बात की जा रही है, खासकर जो प्लास्टिक बैग हो गए और जो ग्लव्स वगैरह हो गए, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये प्लास्टिक बैग हो गए ऐसे जिसमें ब्लड वगैरह है, और ये जो ग्लव्स है बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, जो भी यहाँ पर डॉक्टर के काम रहते हैं मैक्सिमम इनको यूज करते हैं। तीसरी बात बोली गई है बार कोडिंग और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूज किया जाएगा बायोकेमिकल जो यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट है उसको हैंडल करने के लिए, यानी कि जीपीएस भी यूज किया जाएगा क्योंकि इनके ऊपर बार कोडिंग वगैरह रहेगी, तो कनेक्ट किया जाएगा ताकि जहां पर भी ये है उसको ट्रैक किया जा सके और उसको ढंग से ठिकाने लगाया जा सके, ताकि एनवायरमेंट पर इसका नुकसान न पहुंचे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया है 1-2, बी में बोला गया है 1-3, सी में बोला गया 2-3, डी में बोला गया है 1-2 और 3, तो कौन सी सही है? करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर सी, यानी कि 2 और 3, क्योंकि जो ये रूल है ये रिसेंटली ही अभी चेंज किए गए थे 2016 के अंदर, अब फिर से इनको चेंज किया गया 2018 के अंदर, तो ज्यादा बड़ी बात यहां पर नहीं है, ज्यादा दूर की बात नहीं है, पास्ट की है, बाकी यहां पर सारा जो स्टेटमेंट है ये सही है, बस इसको छोड़कर। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पर फेज मैनर में हटाया जाएगा, टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी और ढंग से इसको इस तरीके से हैंडल किया जाएगा ताकि एनवायरमेंट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट न पड़े, ठीक है। तो आंसर सी हो गया, आगे चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, बात की जा रही है इलेक्शन कमीशन के बारे में, तो एक एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है यहाँ पर। सबसे पहले बोला जा रहा है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है जो भी यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी होती है उनको, कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि उसका पालन इन लोगों करना है, इसकी निगरानी करता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी बात बोली जा रही है यहाँ पर जो शक्तियां होती है यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, पोस्टपोन कर सकते हैं इलेक्शन किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कैंसिल कर सकते हैं, ऑलरेडी नोटिफाई कर रखे हैं, और इसी के साथ में जो इलेक्शन होते हैं उनको नलीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि रद्द भी उनको किया जा सकता है, पोस्टपोन कैंसिल और रद्द भी किया जा सकता है। मतलब क्या इनका? पोस्टपोन का मतलब यह है जो अभी हो रहे हैं आगे करेंगे किसी और डेट में, कैंसिल का मतलब है जो अभी चल रहे हैं उनको कैंसिल कर दिया, रद्द का मतलब है जो पहले करा दिए गए हैं उसको खत्म कर देना वहां से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं, तो ये सारे काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है, ऐसी बात बोली जा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैंडिडेट को बार नहीं कर सकता कि वो अपना कंपेन न करे, यानी कि कंपेन करने से नहीं रोक सकता स्पेसिफिक पीरियड के लिए, ये बोला गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, ये बोला जा रहा है। ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया 1, 2 और 3, तो कौन सा आंसर यहां पर सही है? तो आंसर इस तरीके से आप लोग देखेंगे तो आंसर सही है यहां पर 1 और 2, क्योंकि यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिक टाइम के लिए बार कर सकता, यहां पर बैन कर सकता है, और रिसेंटली अभी योगी जी को बैन किया गया था, इसी तरीके से कई सारी और पर्सनैलिटी को यहां पर बैन किया गया था उनके उल्टे सीधे कमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में होती है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक और यहाँ पर इससे रिलेटेड है, थोड़ा सा एक और एंगल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकता है अगर वो कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड माल प्रैक्टिस करता है, यानी कि उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पर एक तरीके से उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, और उसके खिलाफ ये यहाँ पर केस भी रजिस्टर करा सकता है अगर यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो, ये बात बोली गई है। यानी कि डिस्क्वालीफाई कर सकता है और केस भी रजिस्टर करने के लिए डायरेक्शन दे सकता है कि इसके खिलाफ केस रजिस्टर कीजिए, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कैंडिडेट के पास में अगर यहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है यहां पर, यानी कि ये खासकर डिस्क्वालीफाई उस तरीके से किया जाता है, यानी कि अगर कहीं और पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा चल रहा है तो उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई वहां पर किया जाए, यानी कि ये गलत तरीका है। जिस पोस्ट पर आप लोग हैं उस पोस्ट के होते होते किसी और पोस्ट को भी आप लोग एक तरीके से होने की और पोस्ट का फायदा उठा रहे हैं, तो इसके लिए इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन, तो यहां पर कौन सा आंसर सही है? और सही आंसर का मतलब है इनकरेक्ट पूछा गया यहां पर, ठीक है। तो सही आंसर यहां पर ए सही है यहां पर, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहां पर गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में हाफ पार्ट सही है हाफ पार्ट गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई नहीं करता कैंडिडेट को, अगर ऐसा करता तो किसी भी कैंडिडेट के मुंह से कोई भी चूंकी आवाज नहीं निकलती, जो आजकल में चिल्लाते घूमते हैं ना कुछ भी बोल देते हैं कहीं पर भी जाकर, ऐसा कोई भी नहीं करता, पहली बात। दूसरी स्टेटमेंट में आप
ये डायरेक्ट कर सकता है कि इस कैंडिडेट के खिलाफ केस दर्ज किया जाए, ये डायरेक्शन जरूर दे सकता है। तो आधी स्टेटमेंट यहां पर गलत है, बाकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का फंडा निकल कर आता है तो फिर यहां पर ये डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ठीक है। यहां पर ये पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। ओके आइए अब आगे बढ़ते हैं, और हां थोड़ी सी और क्लैरिटी यहां पर ला देता हूं, आप लोगों के माइंड में डाउट न रह जाए। यहां पर ये जो मैटर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो बात की जा रही है, इसको जो मैटर होता है वो प्रेसिडेंट जो बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, और जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वहां पर गवर्नर रेफर करता है, और जब वो चेक करता है कि ऐसा कोई केस पाया जा रहा है फिर जो बोलता है डिस्क्वालीफाई करने के लिए, तो वो जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग रहता है, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई करना ही करना पड़ेगा, और ये पोल पैनल है वो यहां पर मिलकर डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है, यह है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के द्वारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, यहां पर बात की जा रही है UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसके द्वारा। तो कौन सा आंसर सही है? आंसर सही है यहां पर डी, यानी कि UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 1991 से लेकर ये एनुअली यहां पर ये रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए भी आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे तो हल्का सा आइडिया आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है, ये अभी बात की जा रही है यहां पर ग्रीन एजी प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसके बारे में क्या क्या बात है आप लोग यहां पर देख लीजिए। सबसे पहली जो बात की जा रही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यहां पर जो कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है यहां पर ये ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की। दूसरी स्टेटमेंट है यहां पर ग्रीन एजी प्रोजेक्ट जो है यहां ये ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहा है इंडियन एग्रीकल्चर को इस तरीके से, ताकि एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो, कंजर्वेशन भी होता रहे, क्रिटिकल जो बायोडायवर्सिटी है उसके ऊपर भी कोई इंपैक्ट ना पड़े, और फॉरेस्ट में भी कोई ज्यादा इंपैक्ट न पड़े। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये पूछा गया है यहां पर। ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की यहां पर बात की जाए तो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहां पर ए, यानी कि फर्स्ट, क्योंकि ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर जो मिलकर काम कर रही है, ना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया के साथ में मिलकर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यहां पर काम कर रही है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है, बाकी दूसरी स्टेटमेंट यहां पर सही है, और आंसर हो गया आप लोगों का ए। नेक्स्ट यहां पर एक टर्म है जो कि काफी न्यूज में थी रिसेंटली अभी, इसका नाम है GRLN1। ये यहां पर क्यों न्यूज में थी, आखिर ऐसा है क्या? पहली स्टेटमेंट बोला गया कि एक एंटीबायोटिक यूज किया गया है यहां पर ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए। दूसरा बोला गया कि एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम पर इसका नाम दिया गया। तीसरा बोला गया एक फंगल है जो कि टॉक्सिक इन्फेक्शन जो कि सीरियल्स में यानी कि अनाज में देखने को मिलता है। तीसरा बोला गया न्यू राइस की वेराइटी है। तो ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है, तो आइए आप एक बार पिक्चर में देख लीजिए, आप लोग समझ पाएंगे। ये यहां पर देखिए, यहां पर एक तरह का फंगल लगा हुआ है भुट्टे के अंदर, तो ये इस तरह का फंगल यहां पर लगता है, इसको यहां पर बोला गया है ये पर्टिकुलर। तो आंसर हो गया आप लोगों के सामने सी। तो ये मेज या अनाज या फिर बार्ले या फिर वीट किसी में भी आप लोगों के देखने को मिल सकता है। एक तो जब पौधा यहां पर खेत में हो तब भी देखने को मिल सकता है, इसी के साथ में अगर मान लीजिए अनाज है, इनके वीट है, उसको जैसे कि टंकी वगैरह में रखा जाता है या फिर किसी बोरे वगैरह में रखा जाता है, अगर वो गीला है तो भी यहां पर इस तरीके की हरकतें देखने को मिल सकता है, ये फंगल यहां पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आंसर देखेंगे इसका, तो आंसर हो गया यहाँ पर सी। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में। तो इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो क्या क्या बातें बात की जा रही है यहाँ पर, अम्ब्रेला यहाँ पर क्लोथ की बात की जा रही है, इनके जो छाते का कपड़ा होता है, सैनिटरी नैपकिन की बात की जा रही है, कॉन्टेक्ट लेंसेज जो बनाए जाते हैं, इसके अलावा फ्लोर एंड द वॉल जो कवरिंग की जाती है उसकी चादर की बात यहां पर की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 1 3 4, सी में बोला गया 2 3 4, डी में बोला गया 1 2 3 4। तो कौन सा यहां पर सही है ये आप लोगों को बताना है, यानी कि टेक्निकल टेक्सटाइल रिलेटेड कौन सा यहां पर है, इसके बारे में आइए एक बार आप लोग देख लीजिए यहां पर, तब आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आंसर है डी, यानी कि जो भी यहां पर दिए गए हैं बोले गए हैं वो सब यहां पर है। टेक्निकल टेक्सटाइल एक तरीके से अगर यूज करने की बात की जाए तो अलग अलग जगह आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे नेट वगैरह बनाया जाता है या एग्रो टेक्सटाइल बोल सकते हैं आप लोग इसको। होम टेक्सटाइल की अगर बात की जाए यहाँ पर जो फाइबर वगैरह जो इसके अलावा जो स्टफ टॉयज वगैरह जो होते हैं, इसके अलावा और भी तमाम जो आप लोगों ने घर में कारपेट्स वगैरह देखे होंगे वो तमाम चीजें, ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर टोटल 12 कैटेगरी में इसको यहाँ पर डिवाइड किया गया है जहां पर ये टेक्सटाइल का यूज होता है, ठीक है। तो मेजर टेक्निकल टेक्सटाइल जो है वो सेग्रीगेट करके 12 मेजर सेगमेंट में इसको डिवाइड किया गया है। एरोस्पेस, शिपिंग, स्पोर्ट, एग्रीकल्चर, डिफेंस, हेल्थ केयर, हर जगह बेसिकली ऐसी टेक्सटाइल का, ये टेक्निकल टेक्सटाइल जो आप लोग बोल रहे हैं इसका यूज बेसिकली होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर क्या बोलेंगे आप,
आंसर होगी यहाँ पर इसका डी। ये जरूर याद रखिएगा टोटल मेजर 12 इसको कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खासकर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की बात की जा रही है, ये इनके POCSO पोस्को की बात की जा रही है जो कि एक्ट यहाँ पर 2012 में आया, क्या क्या स्टेटमेंट करेक्ट है ये बात की जा रही है। एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले बोला गया है कि ये एक्ट प्रोटेक्ट करता है बच्चों को, खासकर सेक्सुअल हरासमेंट और पोर्नोग्राफी से उनको दूर रखा जाए, इसके बारे में प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड कराता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बच्चों के साथ में कोई भी पोर्न वगैरह मूवी यहाँ पर शूट की जाए, कोई भी ऐसी कंडीशन देखने को मिले, यानी कि बच्चे को इन सब चीज़ों से दूर रखना है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि स्पीडी ट्रायल यहाँ पर प्रोवाइड कराता है, खासकर स्पेशल कोड बनाने की बात करता है अगर इस तरह का केस कोई निकल कर आता है, इनके जल्दी से जल्दी उस केस का निवारण होना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं और उनकी एक तरीके से मेंटेलिटी पर क्या डिफरेंस पड़ता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। एक्ट के हिसाब से अगर डिफाइन किया जाए तो जो बच्चे होते हैं वो बिलो 14 ईयर जो एज है उसको बच्चे बोला गया है यहाँ पर इस एक्ट के हिसाब से। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 3, डी में बोला गया 1, 2 एंड 3। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। तो देख लेते हैं आंसर। आंसर जो है इसका वो है ए, यानी कि 1 और 2 सही है। ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट जो तीसरी है, यहाँ ये 14 ईयर नहीं है, यहाँ पर ये 18 ईयर है, यानी कि बिलो 18 ईयर एज को बच्चे यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस इस कैटेगरी के एक्ट में यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर ये बात कर रहा है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कि PMI के बारे में। तो क्या क्या स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये यहाँ पर बोला गया है, देख लेते हैं एक स्टेटमेंट, आगे फिर आंसर देखेंगे इसका। PMI मैनेजर इंडेक्स यानी कि जो यहाँ पर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी कि PMI जो है ये इंडिकेटर है फॉर बिजनेस एक्टिविटी सर्विस सेक्टर के लिए ओनली, यानी कि सर्विस सेक्टर में इसको यूज किया जाता है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है PMI फिगर जो है डिनोट करता है एक्सपेंशन क्या हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, व्यापक हो रहा है, कितना कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, कितना स्वीकृत रहा है जो बिजनेस एक्टिविटी है उसके बारे में ये बताता है। फिगर अबव 100 जो डिनोट करता है यहाँ पर वो एक्सपेंशन की बात करता है, और इसके नीचे 100 के नीचे ये कॉन्ट्रेक्शन की बात करता है इस डेटा के इंडेक्स के हिसाब से। चौथी स्टेटमेंट यहाँ पर बात कर रहा है कि सेंट्रल बैंक यूज करता है इस इंडेक्स को, किस तरीके से डिसीजन लेने हैं या फिर इंटरेस्ट रेट क्या रखना है, इस इंडेक्स की हेल्प काफी लेता है सेंट्रल जो बैंक होता है हमारी कंट्री का, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 1 और 3, सी में बोला गया 2 और 4, डी में बोला गया 1 एंड 4। तो आंसर क्या सही है कमेंट बॉक्स में लिखिए। आंसर जो है इसका यहाँ पर आप लोग डिटेल में आइए, एक बार देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या बातें की जा रही है। आंसर वैसे इसका है 1 और 3, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और 3 स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सेकंड 3 स्टेटमेंट में जो यहाँ पर ये 50-50 होगा, ये 100-100 नहीं होगा, यानी कि अबव 50 जो है यहाँ पर उसको एक्सपेंशन बोला जा रहा है, बिलो 50 उसको यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन बोला जा रहा है। बाकी ये ओनली सर्विस सेक्टर के लिए नहीं है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। बात की जा रही है ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दो के लिए यहाँ पर इसके द्वारा फोकस दिया जाता है, तो कैलकुलेट किया जाता है सेपरेटली यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के लिए, और उसके बाद में यहाँ पर 50-50 जो डिनोट करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन अगर एक्टिविटी हो रही है तो इसका मतलब बिलो 50 है, और बिलो अबव 50 है तो इसका मतलब बिजनेस यहाँ पर बढ़ रहा है। PMI है ये रिलीज किया जाता है यहाँ पर ये स्टार्ट मंथ के स्टार्टिंग में, तो इसी की वजह से यहाँ पर जो GDP ग्रोथ वगैरह काउंट करना या फिर बैंकिंग वगैरह जो सिस्टम है वो भी अपना इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने में इसकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेटर माना जाता है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर उन्नत भारत अभियान के बारे में। नाम से ही पता चलता है कि उन्नत भारत यानी कि एक सही डायरेक्शन में चलते हुए भारत की बात की जा रही है। तो उन्नत भारत कैसे होगा? जब हमारे जो गांव हैं वो उन्नत होंगे तो उन्नत भारत होगा, उसी के चलते बात की जा रही है। उन्नत भारत अभियान का जो एम है वो है हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो वर्क करे मिलकर गांव के साथ में, ताकि गांव में जो भी चैलेंजेस है, जो भी प्रॉब्लम है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और उनका सोल्यूशन निकाला जा सके, इसके बारे में बात करते हैं, और सस्टेनेबल ग्रोथ यहाँ पर मेंटेन रखा जा सके। यानी कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर हमारी कंट्री के वो आगे निकल कर आए, खासकर जो IITs होते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है गांव वाले एरिया में उसको आइडेंटिफाई करें, उसका सोल्यूशन करें, और खासकर एक सस्टेनेबल सोल्यूशन लग रहे ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी फायदेमंद हो, पहली स्टेटमेंट। दूसरे बोला गया कि एम जो है वो क्रिएट करने के लिए वेरियस साइकिल जो सोसाइटी और जो अकेडमी है उसके बीच में, यानी कि सोसाइटी की प्रॉब्लम अकेडमी को डायरेक्ट मिले और अकेडमी उनका सोल्यूशन निकाल के सोसाइटी को दे, इस तरीके की एक साइकिल क्रिएट हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर पर्टिकुलर एरिया में सूखा पड़ रहा है तो कैसे उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, मान लीजिए यहाँ पर बिजली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है, तो कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है, कैसे उसका प्लान बनाना है, या फिर कोई महामारी आ गई है क्या सोल्यूशन निकालना है, तो मिलकर काम करेंगे यहाँ पर दोनों। तो बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट। ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नन ऑफ द अबोव। तो आंसर क्या है? आंसर है यहाँ पर सी।
यानी कि दोनों ही आंसर यहाँ पर सही है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, उन्नत भारत अभियान के पार्ट है दोनों ही। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा डिस्कशन, जो कि आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। पीडीएफ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, खुश रहिए, जितना खुश रहेंगे उतने ज्यादा एफिशिएंटली आप लोग काम कर पाएंगे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करनी है। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो, तब तक के लिए जय हिंद।